हमारा फोर्थ सेगमेंट है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ईच क्वेश्चन एंड राइट द आंसर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस हु बिकेम द होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन बना हमारे इंडिया का जब हमें आजादी मिली? इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी टेरिटरी जो है वो सेंट्रल टेरिटरी नहीं मानी जाती? इसमें करेक्ट आंसर आता है पुडुचेरी। अब इसका कारण क्या है? पुडुचेरी को हम पौंडिचेरी के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सेंट्रल टेरिटरी इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि ये हिस्सा नहीं है इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है उसका हिस्सा ये नहीं है, इसलिए इसको सेंट्रल टेरिटरी नहीं मानते हैं। पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, इसका मतलब है कि इसको गवर्न किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इसकी अपनी खुद की चुनी हुई लेजिस्लेटिव असेंबली है और चीफ मिनिस्टर है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल कुछ मैटर्स पे है जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स या कम्युनिकेशंस, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके डे टू डे अफेयर्स का वो ज्यादातर मैनेज किया जाता है टेरिटोरियल गवर्नमेंट के। नतीजा पुडुचेरी को हम सेंट्रल टेरिटरी नहीं मान सकते। सेम उसी सेंस में जैसे जो कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली की उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, कितने स्टेट्स है इंडियन यूनियन के अंदर? तो एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स है। हमारे यहाँ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है इंडियन यूनियन में। स्टेट्स में आप अल्फाबेटिकली देखो तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। वही हमारा जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें आते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। 2014 में कौन सा स्टेट सेपरेट हुआ था आंध्र प्रदेश से? करेक्ट आंसर है तेलंगाना। झारखंड किस स्टेट से अलग हुआ था? झारखंड हुआ था बिहार से अलग। अभी नीचे जो स्टेट्स दिए हुए हैं इसमें कौन सा स्टेट है जो बिलोंग नहीं करता है सेवन सिस्टर्स को? सेवन सिस्टर्स यानी कि आपका असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसमें जो सेवन सिस्टर्स है सेवन स्टेट्स को है। तो ये आते हैं, उसमें जो नहीं शामिल है वो है उत्तराखंड और झारखंड। अभी यहाँ दिया हुआ है कौन से स्टेट्स में कौन सा ऐसा स्टेट्स है जो इंक्लूडेड नहीं है यूनियन टेरिटरी में, सॉरी जो इंक्लूडेड है यूनियन टेरिटरी में, तो वो आंध्र प्रदेश नहीं हो सकता, गोवा नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर है पुडुचेरी, गुजरात भी नहीं हो सकता। फाउंडेशन डे क्या है गुजरात स्टेट का? 1 मई 1960। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो कौन सा कमीशन जो है वो बनाया गया सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए? करेक्ट आंसर है प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन क्या होता है? प्लानिंग कमीशन एक ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी थी इंडिया के अंदर जो कि जिम्मेदार थी जो भी हमारी कंट्री के 5 ईयर प्लान बनते थे उसको बनाने में और लागू करने। इसको क्रिएट किया गया था 1950 में एक एडवाइजरी यानी सलाहकार बॉडी के तौर पर, ताकि हेल्प कर सके गवर्नमेंट को कि वो अपने जो भी खर्चे हैं या जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का सही तरीके से वो कर पाए और किसको प्रायोरिटी देनी है उसको सही एडवाइस देने का था प्लानिंग कमीशन। इस कमीशन का मेन फंक्शन था डेवलप करना एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड प्लान, यानी कि सारे पहलुओं को कवर करते हुए कंबाइंड प्लान बनाना इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए इंडिया के, और कोऑर्डिनेट करना जो भी एफर्ट्स है अलग अलग गवर्नमेंट के एजेंसीज के उनको और डिपार्टमेंट्स को, ताकि जो भी गोल सेटअप किए गए इस प्लान के अंदर उनको हासिल किया जा सके। कमीशन ये भी मॉनिटर करती थी कि प्रोग्रेस कितनी हो रही है प्लान्स की, और उनको सलाह देती थी, सजेशन देती थी कि वो अपनी पॉलिसीज को और प्रोग्राम्स को एडजस्ट करें जैसे जरूरत है। आज की डेट में 2014 में प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व कर दी गई है और उसको रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग से, जो कि गवर्नमेंट की प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक माना जाता है। ये जो नीति आयोग है ये मेनली फोकस करता है प्रमोट करने पे कॉर्पोरेट फेडरलिज्म को, और ड्राइव करने की कोशिश करता है उस एजेंडे को आगे बढ़ाने की
जो कि काफी जरूरी होते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म और डेवलपमेंट के लिए इंडिया के अंदर। इसके बाद का जो कंप्लीट चैप्टर है वो ऐप पर देख सकते हैं आप, क्योंकि हमारी जो ऐप है ASA एजुकेशन, उसमें अब हम बिल्कुल नए वीडियोस ला रहे हैं जिसमें काफी डिटेल में और बहुत ही अच्छे से क्लियर करके इजी हिंदी में समझाया गया है। अगर आपको लगता है कि आपको उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है डायरेक्ट मैसेज करके उसका उसी टाइम पर आंसर ले सकते हैं। इसके अलावा उसमें पूरी नई तरीके से सॉल्व एक्सरसाइजेस हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशंस हैं, समरीज हैं, जो आपको और सब्जेक्ट्स की भी उसमें मिल जाएगी। तो पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट देखने के लिए या कंप्लीट उसको लर्न करने के लिए ASA एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए।